हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम एनटीए के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गूगल पे जाके आपको ugcnet.nta.ac.in पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास ये पेज क्लिक होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक नोटिस इशूड ऑफ ई सर्टिफिकेट एंड चेयर एफर्ट, वो हमारे काम का नहीं है। ओपन द ऑनलाइन पोर्टल, ये हम लोग देख लेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल में क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। इस बार यूजीसी नेट में बहुत चेंजेस हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो हम लोग देख लेते हैं। जूनियर रिसर्च फिलोसॉफी एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे तीन कॉलम दिए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बट दोस्तों, मैंने फॉर्म फिलअप व्हेन माय फ्रेंड फिल दी फॉर्म, तो यहाँ पे तीनों एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तब तीनों एक ऑप्शन में क्लिक किया, फिर भी तीनों ऑप्शन में क्लिक हो रहा है। तो डोंट वरी, उसके लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बट आपको फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। देन दूसरा चेंजेस है कि अर्लियर एनटीए नेट वॉज कंडक्टिंग वॉट एवर एग्जाम्स आर देयर, इट वॉज दी ऑनलाइन। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एनटीए नेट विल कंडक्ट यूजीसी नेट जून 2020, मतलब जून में जो कमिंग एग्जाम आ रहा है, जूनियर रिसर्च फिलोसॉफी एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इन 83 सब्जेक्ट में यूजीसी कंडक्ट करवाएगा जून एनटीए नेट एग्जाम। देन उसमें ओएमआर शीट, मतलब पेन एंड पेपर मोड। तो यहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड जो एग्ज़ाम हो रही थी वहाँ से हट के अब ऑनलाइन को छोड़ के यूजीसी एनटीए नेट यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने वाले हैं। मतलब सपोज एमपीएससी यूपीएससी दे आर कंडक्टिंग दी ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो उसी तरह से पेन और पेपर और ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तीन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। 20 अप्रैल 2024 to 10 मई 2024 यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। एंड लास्ट डे ऑफ आपका जो भी है, आप अगर यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो तो 11 मई to 12 मई आपको थोड़े दिन एक्स्ट्रा दे, 2 डेज दे आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर डी फिल दी फीस। एंड देन करेक्शन आपको कुछ भी करना है तो आपको 13 मई, मतलब लास्ट डे 13 मई to 15 मई अप टू 11:50 PM, मतलब आप कर सकते हैं 12 बजे के पहले। एंड देन यहाँ पे लिखा है आपका जो भी जनरल अनरिजर्व है तो 1150, जनरली WS 600 एंड SC ST PWD 324। तो ये क्राइटेरिया दिया गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। कमिंग टू दी बैक साइड, हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है यूजीसी नेट का। देन हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन और वो तो नोटिस हमने पढ़ ली थी कि उसके बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। UGCNET.NTA.AC.IN पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि UGCNET जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। तो ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून, अगर आपने 2023 में एप्लीकेशन भरा है तो वो एप्लीकेशन नंबर डाल के आप कर सकते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2024 यहाँ से जाने से पहले, मैं आपको 2023 में भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा बट आपका कई बार पासवर्ड नहीं मिलता एप्लीकेशन, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ से जाने से अच्छा है कि आप इस साइड से डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, तो ये वो क्लिक करने के बाद में आपके पास ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो डाउनलोड करने से अच्छा है कि यू जस्ट गो विद, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया,
उसके बाद में यहाँ पे ये चैट बॉक्स दिख रहा है, उसमें क्लिक करना है। एंड देन क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू प्रोसीड, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी। उसके बाद में ये जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर मैंने सपोज आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट ऑप्शन, तो उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद में आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में आपकी मतलब जो भी फॉर्म की प्रोसीडिंग है जो भी है वो आपका यहाँ से चालू हो सकता है, मतलब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। और दोस्तों ऑफलाइन में बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। जो भी डिफ़िकल्टीज आ रहे थे स्क्रीनिंग में ऊपर, या कोई पहली बार स्क्रीन यूज़ कर रहा था तो इसके वजह से बहुत ये पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था कि डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व कर, कॉम्प्रहेंशन पढ़ने के लिए प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें अभी सॉल्व हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट टू माई चैनल। थैंक यू।